एक विरहा आप लोगन के बीच में इस बिग विरहा संगम प्रयागराज 2018 ये पुरुषोत्तम मास जो बस दुई चार दिन का शेष समय बा प्रयागराज की धरती से पूर्वांचल की धरती के कलाकारों के लिए एक चैलेंज भरा भी रहा जा रहा है। विरहा जगत की नई खोज इलाहाबाद से जा रही है। जा भैया उठ के आवा। भैया बिरहा का शीर्षक होए अरब की उत्पत्ति। बिरहा का शुरुआत कैलाशपति भगवान भोलेनाथ कैलाश पर तपस्या से जगे मई गौरा कैलाशपति भोलेनाथ से एक बात कहती है। तपस्या से जागे सैलानी बतिया बोल परिन महारानी सैलानी सैलानी भारी विपता आइल मोरे कपार। तपस्या से जगे माता पार्वती चरण में गिर पड़ी और गिर करके दोनों कर को जोड़ करके आंखों में आंसू छोट छोट दुई गो लड़किया कार्तिकेय और गणेश बाबू अपने माई का याचर पकड़े हूँ। माई पार्वती भोलेनाथ से रो करके एक बात कह रही है गजल के भाव में संकेत लगल बाबू। ओ हो कौनो प्रेमी प्रेमिका का बात हो लड़की लड़का से लड़कवा लड़किया से काले बा कि अब मजा नहीं आता। अरे अब मजा नहीं आता। अरे अब मजा नहीं अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अरे अब मजा नहीं आता ए दूर रह के जीने में। या नबी या नबी 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 या नबी बुला लेना मुझको भी मदीने के अंदर माई पार्वती भोलेनाथ से कहा काले हो भैया समय कम शेषित विरह 15 मिनट में समाप्त होना चाहिए। क्या कहना हो घर में नहीं खाने को घर में नहीं खाने को विपत सर आई है। घर में नहीं खाने को घर
में नहीं खाने को, विपत सर पे आई है। छोटे छोटे ललना है, छोटे छोटे लल्ले हैं। अरे भूख अब सताई है। पार्वती रोई के कालीन की हे बउरावा, जीवन में भांगे धतूरा खाया, तीनों लोक के मालिक कहावत है आप। अरे अगर आप तीनों लोक के मालिक है, हम तीनों लोक के मालकिन है। दू ठो लड़िका है बतावा, कुटिया के अंदर कौनो छोड़ी में कौनो हाड़ी में, एक टाइम का आहार ना बा बतावा, का इनका खियाई का हम खाई। अरे हे भोलेनाथ, धिक्कार बा तोहरे ई मनई के तन पर। दुनिया का मालिक बन के ठहरा थे, संसार का खियावा था, लड़िका घर का भूखा रहा। जाए के कहूँ नौकरी करा, दुई पैसा कमाई के लिए आवा, बड़ी विपता झेला था। अगर रुपया ना कमाई के लिए बा भोलेनाथ, तई छोट छोट अपन लड़िका लेके अपन साया लुगरी हम अपने नैहरे में चली जाओ। इतना सुनते भोलेनाथ बाबू जी हंसने लगे, कहन गौरा तनी के लिए आए के काद गोला गटकावा, भरा एक आध चिलम तनी कुछ पी पाई, तो जाए शरीर में तो कुछ सोचे हम। पार्वती कहें अगर या तो पैसा कमावे मिली, नहीं तो या से खवाई पियाई तो हार। पार्वती मैया कह क्या रही है दोनों पत पत्नी में, बात चल रहा विराह में एक गीत लग गई भैया। बस 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 बस, इलाहाबाद प्रयागराज धरती के दो शेर, आज ढेर शेर पैदा है, लेकिन अपने जमाना में दोनों को जब बिरहा बगली बगली मन चला गए थे एक दूसरे पे हो। हैदर अली गुरु गावे लाल जी लहरी जी के लिए की पतरकू, अरे पतरकू पतरकू हे पतरकू रे पतरकू, काहे पतरकू काहे जदुईया डारा सवरकू पनिया में अगिया लगाया। लेकिन गाना के अंदर कहना हो बाबू कि सजनवा, अरे सजनवा लावा कहू जतनवा, सजनवा लावा कहू जतनवा, सजनवा लावा कहू जतन। अरे घरवा में खाई का नाही ये भोला, कुछ ना ही खाई का भूख मारे ललनवा, कुछ ना ही खाई का भूख मारे ललनवा, नवा लावा कहूँ नौ लहनवा, सजनवा हम आज तक के काम कहीं ना कहाँ जाई, कौन जतन लगाई के करे दुआरे नौकरी मांगी जाई। पार्वती कालीन अगर नौकरी दुई पैसा नहीं कमाए के लिए आ सका था, तो हम लई के लड़के अपने नहीं हरे जाते। भोलेनाथ कुछ देर सोचन बिचारन कहन ठीक बा गौरा, अगर कहा था तो हम नौकरी खोजे जाते हैं। ए बाबू जी कालीन अगर ये वेशभूषा में जाब तो जौने दुआरे जाब दुनिया कहा, तो भोलेनाथ आप तीनों लोग के मालिक, दुनिया आपसे मांगा था, आप खुद ही नौकरी मांगे आए हैं। कहन तब पार्वती से कहन देखा कुटिया के अंदर काठी फकड़ा पुरान कोनो कुर्ता सुरता रखा हो तो लियावा वह पहरी। ए पंचव मंगता का भेष बनाए के भगवान भोलेनाथ, आज बाबूजी
कैलाश से चल दिए मृत्युलोक के धरती पे आए, सर्वप्रथम कौने राज मनोकरी खोजे जात हो, कौनो राजा के दरबार में गौर करिहा आप सब। अरे भोले अंतरा के लाइन में कहना हो कि भोलेनाथ तब धरतिया पे आए, भोले बाबा तब अब धरतिया पे आए, काशी नगर उनके पग पड़ जाए, काशी नगर उनके पग पड़ जाए, अरे राजा चित्र के तू, चित्र के ताके पहुँचे भवनवा सजनवा, लावा कौनऊ जतनवा सजनवा, लावा कौनऊ जतनवा सजनवा, राजा चित्र के ताके पहुँचे भवनवा सजनवा, लावा कौनऊ जतनवा सजनवा। ए बाबू अपनी बसाई नगरी पे आ गए भगवान भोलेनाथ, काशी की सरजमी पर राजा चित्रकेत के बाबूजी दरबार में पहुंचे, द्वार पर दुई सैनिक देख लेन कहने ए मंगता ए भिखमंगा भाग दुआरी से, दोनों पकड़ के बाबूजी भोलेनाथ का लोकाय के फेंकन कुछ दूर जाए के गिरे। भोलेनाथ कहन बारे हमारी बसी नगरी, लोग कहते हैं यहाँ धर्म है इतना बड़ा धर्म, अरे हम दुनिया के मालिक है भी उषा में आई है न जने कितने मदारी भिखमंगा का रोज बड़ी दुर्गति होत हो। दोहाई राजा चित्रकेत को, राजा चित्रकेत अंटा से देखत रहले भाग के आए, कालिन का हो कहाँ कराए वाला है, कहन महाराज एक जून को रोटी का जुगाड़ दे दा, कनो नौकरी दे दा, गोबर फेंकोबा वही कैले। राजा चित्रकेत कालिन के ए भाग जा हमारे राज में नौकर का कमी ना आवा, हमारे खिया कौनो ना बगर खाई के कहा ते काट टाइम के कहा रोटी का निवाला तो है दिया दे। भोले बाबा कहलेन अपन पेटवा पाले से बढ़िया बा, दू ठू लड़िका हमार हमार दुल्हन भूख है मरद बा, अपन पेट पाले से बढ़िया ना बा। भैया हो गौर करिहा आप, बारे हमारे हिंदुस्तान की धरती, बारे हमारा हिंदू संस्कार, हर इंसान जाता है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास। लोग कहते हो कि बुरा काम ना करे चाहे गलत है कई परिणाम मिले, लेकिन जान के इंसान अज्ञानता का काम करता है बाबू। आज भगवान भोलेनाथ पूरे हिंद की धरती पर बाबू नौकरी को खोजे, लेकिन नौकरी कहीं ना मिली। आज जब नौकरी ना मिली भैया, भगवान भोलेनाथ चिंतामय हो गए। बिरहा में दूसर गीत लगल बा बाबू, कौन गीत का संकेत बा भैया? देखा ये हो प्रयागराज का इलाहाबाद धरती के माटी का गीत हो, मतारी बहन लोग गावेलिन, कोनो दुल्हन का दर्द हो कि रेलिया बैरन, अरे रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया काली है जाई रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया काली है जाई रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया काली है जाई रे, रेलिया बैरन। बड़ा बिरा से गांव आई कि जौने स्टेशन बिया टिकटा कटई है, पनिया बरसे टिकट गल जाए हो, जौने शहरवा में करे नौकरिया अगिया लागे शहर जाए हो, लेकिन हमार दुल्हा हमरे पास रहे भैया हो। लेकिन हर गाना में का होत बा कि नौकरी मिले अरे नाही मिले, भोला नाही नौकरिया का पवले, भोला नाही, भोला छोड़ दी है भोला तब हिंद के धरतिया, छोड़ दी है भोला तब हिंद के धरतिया, छोड़ दी है भोला तब हिंद के धरतिया। भगवान भोलेनाथ बाबूजी पूरे आज धरा पर भूमंडल पर नौकरी मांगे, लेकिन हिंद की सरजमी पर कहीं नौकरी ना मिली। आज जब हिंद में नौकरी ना मिली बाबू, तो मन ही मन विचार कर रहे हैं कि आफत तो बढ़ती चली गई। मैंने गौरा से वचन कर दिया है कि जब लौट करके आऊंगा पैसा कमा के अपने पॉकेट में रहेगा जेब में रहेगा तब ही आऊ गौरा नहीं ना आऊ। लेकिन अब का करी सोच भोला भैली आई लिया फतिया, सोच भोला भैली आई लिया फतिया,
भारी चिंता भारी चिंता भइले अब के भितरिया भोला नाही आज हिंद की धारा को छोड़ करके भगवान भोलेनाथ वही मदारी वेशभूषा में बाबू मंगा भिकमंगता के रूप में हिंद की धारा को तज करके बाबू अरबिस्तान की सरजमी पर पहुंचे। अरबिस्तान की धारा पर भोलेनाथ का पग पड़ा। वहां का बादशाह बहुत धनाढ्य, जिसका एक नियम कानून था। आज अब अरबिस्तान की सरजमी पर बड़ा बाबू भगवान भोलेनाथ मदारी वेशभूषा में वहां के बादशाह के सिपाही भगवान भोलेनाथ को देखते ही बाबूजी बंदी बना लिए। और जब बंदी बना लिए, बंदी बनाने के तत्पश्चात करते क्या है, विरह का अंतिम गीत लगल बाबा के लाल। वही गीत लगल बा, अरे बदन पिया राय गवा दादा रामधर, अरे बाबा ये बच्चा भैया के पिताजी हमारे पिताजी हरे बाबा अपने जवानी में गावत रहन कौनो दुल्हन का देख के कौनो कवि अपन कलम चलौले बा। अरे बदन पिया राय गवा, ये भैया बदन पिया राय गवा, कहे गोड़ भावा भारी बदन। बाबू आज अरबिस्तान पर वो मदारी रूप में भोलेनाथ के साथ होत काबा कि राजा के सिपाही तबा, अरे लाए हाथा काड़िया राजा के सिपाही तबा, लाए हाथा काड़िया राजा के सिपाही तबा, लाए हाथा काड़िया हो, लाए हाथा काड़िया हो, लाए हथकड़ी लगा करके बाबूजी बादशाह के समकक्ष ले जा करके दरबार में खड़े कर दिए। महाराज ये चोर है आ जाए है नगर में। भोलेनाथ कहलन कि प्रभु हम तो आज तक कोनो चोरी करबे ना भाई। कहलन भैया आप लोग झूठ बोला था, बतावा हम तो हर लोगन का चोराए। तब बादशाह खड़ा हो गया और उम्मदारी रूपी भोलेनाथ से बात पूछ रहा है कि कहवा से आया बीरा कहाँ बा ठिकानावा, कहवा से आया बीरा कहाँ बा ठिकानावा, कहवा से आया बीरा कहाँ बा ठिकानावा, अरे पतवा बतावा सिपाही तब लगाए हाथ काड़िया राजा के सिपाही तब लगाए हाथ काड़िया राजा के सिपाही, लाए हाथ काड़िया हो, लाए हाथ काड़िया राजा के सिपाही, लाए हाथ काड़िया राजा के सिपाही तब लगाए हाथ काड़िया राजा के सिपाही। भोलेनाथ कहलन के बादशाह हम जौन बताऊ मान लेबा गैर कुछ करन तुहार सिपाही कहत हूँ कि चोर है, हम अगर असली पता बताऊ तो तुहे यकीन पड़े। बादशाह डांट दिया कि अपनी जुबा को लगाम लोग जितना पूछा जाए उतना बताओ। भोलेनाथ मदारी भी रूप में बाबू भिकमंगा के रूप में थर 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 कांपने लगे। तब तक दुई सिपाही लेके बगली तरवाल खड़ा हो गए। भगवान भोलेनाथ कहन कहन अब अगर कोनो जतन न लगाए तो बड़ी दुर्गति होए। कहन हे बादशाह मेरी बात को सुनो, ये गरीब मंगता हमके जान के आप तलवार का डर दिखावा थे। अरे तोहरे राज में जितना ही यहाँ पर नौकरी करे वाले हैं, मैं वो शख्स हूँ जो तोरे पूरे दरबार में क्यों नहीं कह पाओ तो वो काम हम कह के दिखाई। पहलवान है कहन ससुर इतना बड़ा गुणकारी है तो यहाँ भीख मांगी आई है। कहन यही तो बात है कि हर इंसान के जीवन में कब भगवान या कब कौन उनके जीवन का काया पलटाई वाला मिल जाए कि वो जान नहीं पावत।
जैसे हर कामयाबी के पीछे किसी महान शख्स का हाथ होता है, आज ये महान शख्स बिरहा के कलाकारों को मुकाम दिलाने का कार्य करने वाले भाई बच्चालाल और अनुराग अग्रवाल जी है। ये ना चाहते तेमन से के का तिम्मत रहेगी यूट्यूब पर पहुंचता और टीवी का तैयारी बा, ऐसे महान भवन गए। बोले ना तू बादशाह को समझा रहे, बादशाह कहा तोरे अंदर का खूबी बा, खूबी से भरा है, पहले का खूबी बतावा, कहर पहली खूबी हमारे अंदर ही बा, अरे हम मनाई है कि अगर जो उन्हें जगह हम पेशाब कर दे था पूरी धरतिया सोना बन जा था। बादशाह कालन सरवा फटहा फटहा पैरे में बदबू मारत हो, अरे सारे इतना खूबी रहल तोहरे अंदर तो काहे ना मोती के हिया का चला आया। बादशाह का कहन यकीन ना बा बहिने मोती कुर्तवा हल्का से गंधावा फटावा जैसे उतरलन बादशाह रोक 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 मंत्री कालन बादशाह सर्वा सही कहा थो कि झूठ कालन यार एक काम करा एक सारे किले चला बहरवा ले चल के अजमावा जाए। कालन की एक बतावा अगर सत्य नहीं करी बात तो भोले ना तुम मदारी भिफंगा कहा अगर हमार बात सत्य नहीं करी तो बादशाह कहा मुंह मांगा इनाम। कहन लेकिन एक बात सुन लो मेरी बेटा, बात अगर गलत निकली तो इतना बोटी कटौब, बोटी बोटी कटवा के तुहे हम चील कौआ का मांस खिलवाई देव। मदारी भिकमंगा कालेज ठीक बा, ठीक हो आपको शर्त मंजूर, लेकिन अगर हमार बात सत्य हो जाए तो इनाम अपने मुंह का मांगा हम लेब। भैया हो रात में खिलाया पिलाया गया, भोरहरिये में 3 बजे मंत्री बादशाह का जगा, कहे महाराज चला अच्छले बाबू जगा लिए वो भिकमंगा का, खड़ा कह देन कहन जवान दिखाओ अपना, लिया के दुआरी पे आन जैसे हिया बालू बा, ऐसे वहाँ अरबिस्तानों के धरती पर रहता ही रहता भैया बा। जो लोग सऊदीया जाते हैं ये तो गाना का शीर्षक हो, गाना का नाम है बा सऊदीया अरब की उत्पत्ति, लेकिन कालन महाराज का देखा काची माटी में मत मुतावा, यह मुती तो बीता एक बीता दुई हाथे भरे में छहरे, एक पक्के पे अगर मुतैबा तो ढेर दूर पनिया जाए, आज जितनी दूरी पनिया जाए उतनी दूरी के धरती या पथरा सर्वा मट हीरा सोना हो जाए। कालन ठीक कहला मर्दे, लिया गया अपने भरे दरबार में जहाँ उनका सिंहासन लागत रहा, वही में एक किनारा पर खड़ा कर दिया कहन मुतो ए भैया हो वो भिकमंगा रूपी मायापति अपन माया खोल दिया, हर 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 जब गिरौलेन बाबू, जितनी दूरी गई जैसे छहरा जात बा वैसे वो लप 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 कैला, तमाम दरबार के लोगों का मुंह बाबा राजा खुद ही चक्कर में रह गया। यार कौन है ये राजा की ओर वो भिकमंगा देखत बा, भिकमंगवा का देखे राजा, बादशाह कहलन की एक आप ऊंचा पद मिले भैया हो अपने बगर का सिंहासन देने लगे, लेकिन एहर की बात थोड़ा यहाँ छोड़े, एहर कुटिया पे जब भोलेनाथ ना गए काफी दिन बीत गया, माई का चिंता सतावत बा और आपन दोनों लड़का लेके अपने नैहर की ओर चलत हो, रस्तवई में देव ऋषि नारद जी से दीदार भइल, और जब नारद से दीदार भइल तो आल्हा के लाइन में कहना हो, आल्हा के भाव में संकेत लगल चलो जियो सर जियो, हाय राम अरे रहिया में माई भैले, अरे रहिया माँ भैले गौरा जी के, अरे नानद से दीदरिया बाबू अखिया से रहलिन गौरा यसिया रे बहा, नारद कालन की मैया कहे रोवत हो, मई पार्वती पूरी कहानी को बताती है पंचो, नारद ज्ञानी कालन की मतारी चिंता मत करा,
अरे हम आपका पुत्र है और हमरे रहते अगर माई के आँखी से आंसू बहत बा धिक्कार बा नारद के जिंदगी पर, अब ही हम जात है भोलेनाथ का बाबू हम खोज के लिए आवत है माई आप मत जाना इहर, लेकिन ना मालिन बाबू आज माई ले आई कि अपने बेटवा का चलत हो नैहर पहुँच लेन इहर भोलेनाथ नारद को खोजने भोलेनाथ को खोजने के नारद चल दिए कितना बरिस बाबू जी खोजे कहना हो प्रमाण हो ए भैया कि 21,000 वर्ष खोजे नारद ज्ञानिया 21,000 वर्ष खोजे नारद लोग ठिकनवा नहीं मिलल मोरे भाई तीनों लोग ठिकनवा नहीं मिलल मोरे भाई तीनों लोग भोलेनाथ को नारद खोजे लेकिन बाबू कहीं पता ना चला तब अंत सो गत्त पहचर बिस्ता अरे पहुंच गई ले नारद यार बिस्ता न के नगरिया अरे ज्योतिया से ज्योतिया जब गईली ककराई ज्योतिया से ज्योतिया जब गईली ककराई ज्योतिया से ज्योतिया जब गईली ककराई ओ बाबू भिखमंगा रूप में रहे लेकिन कपड़ा लत्ता थोड़ा परिवर्तन जोश से जोश टकरान शिव जान गए नारद को नारद पहचान गए भोलेनाथ को कहलेन प्रभु चला अब बड़ा मजा आप लीला रचत है चला नहीं तो तूफान मच जाए हिंद की धरा पर एक कुल ना आपके गम में दो दो परिवार एकदम विनाश हो जाए धरती उथल पुथल ब्रह्मा जी भी आप चक्कर चिंता में हैं हरि भी तमाम देवी देवता आपके लिए व्याकुल हैं और इतना ही नहीं उथल पुथल मच जाएगा धरा पर चलिए भोलेनाथ नारद ज्ञानी कहलन के देखा हम एक बादशाह की नौकरी करत है भोलेनाथ बतावत हो नारद से जब तक राजा का आदेश न हो तब तक हम ना जाब बादशाह के समकक्ष बात यही बादशाह ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा तब अंत सोगतवा नारद जी वहाँ से फिर आए बाबू राजा हिमांचल जी के यहाँ और उनकी पत्नी माता पार्वती को लिया करके अभिस्थान की सरजमी पर गए एक दूसरे को बाबू जी अपने मांग के सिंदूर को पाया सीने से लगाया कहन परमात्मा चला अब हमका कमाई न चाहिए जैसे तू चाहे सुखे में बिताऊ बा चाहे दुखे में हमका आपके साथ जीवन मंजूर बा पहले गौरा पगलाई गए हो अरे इतना रुपया कमाई ले हई कि अब तुहे कोनो चीज का कमी ना हो दे भाई बादशाह बाबू जी साक्षात नारद पार्वती के देखले शरण में गिर पड़ा कि बाप ये अगर आदिशक्ति हैं तो ये नारद हैं तो ये कौन है दिव्य ज्ञानी के बाबूजी मदारी भिकमंगा के चरण में गिरा बादशाह भगवान भोलेनाथ असली रूप में आए आज असली रूप में आए बाबू हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के प्रभु दुनिया के मालिक से मैंने गलत कार्य को करवाया मायापति भोलेनाथ ने कहा कि ये प्रभु की माया है ये विधि का विधान है जो विधाता ने लिख लिया उस लेखनी को नहीं मेटा जा सकता एक काम करो आपके जैसा मैंने काम किया जैसा आप चाहत रहा लेकिन हम कह रहे कि तनख्वाह अपने मर्जी का लेब तो फीस हमार भइल कहन कहन कितना दे प्रभु कहने काम करिए आप कि मैं अपनी इच्छा से लेना चाहता हूँ तो मुझे आप 1 अरब रुपया दे दीजिए भैया हो यही पर उबादशाह ने राजा से कहा राजा कह रहा है भोलेनाथ से सदर आला हमें 2 लाइन बस 2 मिनट विराह समाप्त बा अरे बादशाह बोला सुना भोला हमारा करनावा अरे हमारे धरतिया बसा त्रिपुरा अरे गौरा माई तब करली रुदनावा अरे सागरो जगतिया का कर संघा अरे यन कई कमाई नहीं अरे चाही सुजनवा अरे गौरा के साथे चले लगे त्रिपुरा बोला गौरा के साथ बाबू वहां का बादशाह अपने यहाँ की एक करेंसी 100 का जिसे डॉलर कहा जाता है सऊदीया का पैसा अपने की 7-8 गुना बना था 100 की करेंसी दिया कहे प्रभु ये मेरी तरफ से आपको विदाई है रहा आपका 1 अरब तो आप हमारे ऊपर आपका कर्ज रहेगा भैया हो वहीं से उस देश का नाम पड़ा सऊदीया अरब
बाकी अरबिस्तान से सऊदिया था, इसलिए सऊदिया अरब, अरब रह गया बाकी सऊदिया, इसलिए उस देश का नाम पड़ा सऊदिया। चले लगे बादशाह कहे प्रभु आप यही बसा, कहन आपके मन का मनोकामना हम पूर्ण करब। वही भगवान भोलेनाथ बाबूजी आज भी अरब की सरजमी पर बाबा आदम के नाम से पुणे जाते हैं। वही आदिशक्ति मैया माता पार्वती मई हवा नदी के नाम से आज भी अरब की सरजमी पर बाबूजी जल को प्रवाहित कर रही हैं। देख करके बाबूजी अमृत वरदान चलने लगे। रमणी बातें बिरहा में मिले पंचो, एहर हरि विष्णु जी को चिंता हो गई कि बारे भोलेनाथ हर युग में आपके साथ साथ रहे, लेकिन कलयुग में जब हर धर्म में हमरो पूजा हो हिंदुओं मुसलमानों में, तो हमका छोड़ के अंतर्यामी छीरछंद से चल दिए। बाबू भोलेनाथ ने कहा कि हरि मैं आपके दिल की बात को जानता हूँ, अगर जहाँ मैं काबे में आप मोहम्मद शाह के नाम से पूजा जाऊँगा तो आप भी मेरे साथ आपकी पूजन होगी। बाबूजी विष्णु जी की भक्ति के लिए उन्होंने दिया क्या, 786 आप सब जानते हैं, भेद में भेद नहीं भेद हो विद्वानों में, जब पढ़वा तब जनबा एका हमारे गुरु और बतावा। हाँ ये वेद पुराणों की बात है, तो जो पढ़ेगा वही जानेगा, कहन सानाई तब भैया हो। विष्णु जी के लिए दिया कि जाओ अगर मुसलमान हमके बाबा आदम मन ही तो तोहरो पूजा हुई। 786 अब जानते हैं बाबू, पहली गिनती आई 7, कन्हैया जिस बंसी को टेरा करते थे उस बंसी में बाबू 7 छेद होता था, इसलिए पहली गिनती बनी 7, बीच में आया 8, माता देवकी के 8वीं संतान थे। गिनती नंबर आई 6, कन्हैया जब बंसी को टेरते थे बापू द्वापर युग में स्कंद कंद मुरली मनोहर कन्हैया आहिर अवतार में जब जन्म लिए तो 6वीं अंगुरिया से उबसुरिया कटे रहे, तो 786 दे दिए। कहीं कहीं कोनो कोनो लोग कहते हैं कि ओम ही शब्द 786 है, लेकिन बारे भगवान और हर की भक्ति अनंत कर दिए बाबू, अमृत तो दे करके चले आए। आज अगर बाबा आदम पूजे जा रहे हैं भोलेनाथ के रूप में, तो हर की भी पूजा मुसलमान 786 के रूप में कर रहा है। दास्तान हमारा विरह का यही अंत हुआ। आखिरी भाव दादा पंधारी के लाइन से खड़ी के एक लाइन में, अरे पूरा ए भगवान ए भैया पूरा ए भगवान राम पूरा ए भगवान अपने भगतन कैला जिया बचावे भगवान। गुरु भोला गुरु बाबा दीन भये स्वर्ग के अरे कथन किया कवि जय करण यादव अरे लहरी लाल जी के अखिया प्यासी हो सजनवा हमारो माना बतिया गवैया रतना करके पसिया पुर भवनवा सजनवा हमारो माना बतिया जोरदार तालियां स्वागत करेंगे।